वहीं जयपुर में खासा खूंटी चौराहे के पास महिला से लूट की वारदात हुई। महिला को चाकू दिखाकर लूटा गया। डूंगरपुर से बस से जयपुर आई थी महिला। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खासा खूंटी के पास से बस से उतरने के बाद की घटना है ये। सुबह 4 बजे पब्लिक टॉयलेट के पास बदमाश ने की लूट। कानों के सोने के टॉप्स और 30,000 रुपए की लूट की गई। कालाबाड़ रोड स्थित गोविंदपुरा निवासी अनिता राठौर से लूट की गई। सूचना पर विधायकपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर, खासा खूंटी के पास बस से उतरने के बाद की एक घटना है, जहां पर एक महिला से लूट की वारदात हुई है। सुबह 4 बजे पब्लिक टॉयलेट के पास बदमाश ने महिला से लूट की। कानों के सोने के टॉप्स और 30,000 रुपए की लूट की गई। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। जी यादवेंद्र, पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल आज अल सुबह ही ये पूरी घटना हुई है, जब एक महिला जो थी, जो डूंगरगढ़ से जयपुर आई थी और उसको अपने घर जाना था, तो यहाँ पर बस से उतरी थी। उसके बाद पब्लिक टॉयलेट के पास कुछ युवक थे जिन्होंने महिला के गर्दन पर चाकू लगाया और उससे करीब 30,000 रुपए की नकदी और सोने की जो टॉप्स थे जो कानों के, वो उतरवा करके लेके चले गए यहाँ से। बड़ी बात यह है कि क्योंकि अल सुबह मतलब भीड़भाड़ कम होती है और यहाँ पर इस स्टैंड पर आवाजाही कम होती है और इसके चलते इन बदमाशों ने इसका फायदा उठाया और जैसे ही महिला जब ये उतरी थी, उतरते ही जैसे ही खासा खूंटी पुलिया के पास नीचे से आ रही थी, तो अचानक से इन बदमाशों ने इसको पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। महिला जो है अनिता राठौर, चूंकि कालवाड़ के गोविंदपुरी की रहने वाली है और इस घटना के बाद उन्होंने पास में ही विधायकपुरी थाना पड़ता है, महज खासा कोटी से 500 मीटर की दूरी पर ये थाना पड़ता है, उसके आसपास ये पूरी लूट हुई है। तो निश्चित तौर पे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो महिला की ओर से विधायकपुरी थाना पुलिस को सूचना दी गई थी, सूचना के बाद विधायकपुरी थाना पुलिस की जो PCR थी वो मौके पे आई थी और उसके बाद पीड़ित से यहाँ पर पूछताछ करी। फिलहाल पीड़ित की ओर से यहाँ पर जो अनिता राठौर है उसकी ओर से विधायकपुरी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस की जो टीम है वो अब आसपास लगे जो CCTV फुटेज है उसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। CCTV के आधार पर निश्चित तौर पर पुलिस को कुछ क्लू मिला है, उस क्लू के आधार पर जो बदमाश है जल्दी पकड़े जाएंगे। फिलहाल पुलिस की टीम है अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, खासा खूंटी के पास महिला को चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।